अजय देवगन निर्देशित फिल्म भोला आज यानी कि 30 मार्च को सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल शाम काजोल और अजय देवगन को उनके परिवार के सदस्यों के साथ फिल्म की स्क्रीनिंग पर देखा गया था। इनमें काजोल की मां तनुजा, चाचा देव मुखर्जी और अजय की मां वीना देवगन भी शामिल थी। बता दें कि स्क्रीनिंग के दौरान कैमरों की तेज रोशनी की वजह से अजय देवगन का बेटा युग अनकंफर्टेबल दिख रहा था। इस दौरान युग तेज रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखें छुपाते हुए दिखे। बेटे युग को परेशान देख काजोल भी थोड़ी टेंशन में दिखी। हालांकि इस दौरान काजोल की बेटी नायसा नजर नहीं आई थी और स्क्रीनिंग के दौरान अजय देवगन बिल्कुल भोला वाले लुक में पहुंचे। वो ब्लैक कलर के कुर्ते पैजामे में पोज देते हुए नजर आए हैं। भोला की स्क्रीनिंग के दौरान एक बच्चा अजय देवगन से हाथ मिलाने पहुंचा। बच्चे को देखकर जब अजय ने उससे हाथ मिलाया तो उसके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। स्क्रीनिंग के दौरान काजोल की चचेरी बहन शर्वानी मुखर्जी भी नजर आई। शर्वानी फिल्म बॉर्डर में काम कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रियंका चोपड़ा की माँ मधु चोपड़ा भी ब्लू ड्रेस में नजर आई थी। वेल, आपके इस पर क्या व्यूज हैं हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।